बताओ पूरा प्लान ही खराब कर दिया इस ट्रेन ने मेरा, इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस ने। अच्छा अभी होटल के प्राइसेस तो मैं बता दूंगा, और इस बार वाला सीन नहीं होगा जैसे कि वहाँ पे था ना, ऊपर नीचे मत कर देना, बड़े बड़े लोग आ रहे तो प्राइस नहीं होंगे। योजन मंडी है सर, आप अपना नाम बताइए, बार बार पीछे आ रहे आप। माधव प्रजापति। और आप उज्जैन में कब से हैं? होटल ही मेरा है। अरे हम इन्हें ओनर कर रहे हैं, मेरा भतीजा आएगा। अच्छा जो सफर है काफी बढ़िया जा रहा है, स्मूथ सफर था, सोते हुए गया था मैं तो। ये देखो मैं ये रहा, यहाँ पे ट्रेन कुल 30 मिनट रुकती है, आधे घंटे। जब मैं पिछली बार आया था जब भी रुकती ट्रेन यहाँ पे, उसका रीजन ये है यहाँ पे ना इंजन चेंज होता है। अब यार ट्रेन इधर की साइड जा रही थी ना, हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरे हिसाब से आपके सपोर्ट से और महाकाल की कृपा से उज्जैन जाने का मुझे फिर से सौभाग्य मिल रहा है। अभी मैं हूँ पार्किंग में, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ स्काई वॉकर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो चलिए आइए और ये एपिसोड शुरू करते हैं, चलो आओ, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, चलो। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप बाहर से, मैं तो स्काई वॉकर से जा रहा हूँ, और अंदर जाके आपको ट्रेन की टिकट के प्राइस हो गए या ट्रेन में क्या सुविधाएं मिलती है सब कुछ अंदर जाके आपको बताता हूँ। तो जी दोस्तों आपका स्वागत है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इस बार जा रहा हूँ उज्जैन, महाकाल की नगरी। पूरे 1.5 साल बाद जा रहा हूँ मैं उज्जैन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने में मैं। अच्छा आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उज्जैन जाने के लिए ट्रेन नई दिल्ली से जो जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाती है। अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है उधर की साइड, प्लेटफॉर्म नंबर 4 वहाँ पर है। और अभी ट्रेन आने में कुल 50 मिनट हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं पर टाइम पास करते क्योंकि ये काफ़ी खाली एरिया है, और वीडियो भी मैं इजीली बना लूँगा आपको सब कुछ समझाने के लिए। और अगर आपको फूड कोर्ट में जाना है या आपको लाउंज एरिया में जाना है तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिल जाएगा इधर की साइड, मैं डाल देता हूँ, पहले आप देख लीजिए लाउंज एरिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का लाउंज एरिया। लाउंज एरिया होता है अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाए तो आप लाउंज एरिया में जाके आराम से रेस्ट कर सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं। इस लाउंज एरिया की फी है 10 रुपये प्रति घंटा। और सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो लाउंज एरिया के अंदर कैफेटेरिया होता है उसके प्राइस में डाल देता हूँ, एपिसोड पॉज करके प्राइस देख लेना। और जो अदर कंपनी की चीज़ें होती हैं वो आपको MRP पे ही मिल जाएंगी, और आपको काफ़ी कुछ चॉइस मिल जाएगी खाने पीने को लाउंज एरिया के अंदर। तो आई थिंक आपको लाउंज एरिया और फूड कोर्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको याद होगा पिछली बार जब मैं गया था ना तो लाउंज एरिया में मैंने अपना बैग भूल गया था मैं, और मेरी ट्रेन आ चुकी थी, इसलिए मैंने इस बार बैग अपने यहीं पर रख लिया है। कोई रिस्क लेना ही नहीं है मुझे इस बार, और पिछली बार तो मैंने MP वाली जो ट्रेन है वो भागते भागते पकड़ी थी, मुझे लगा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है, और जो ट्रेन आती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आती है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो मुझे मत बोलना बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे क्यों खड़ा था, ठीक है? 4 पे जाना आप, क्राउड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अभी 1 पे खड़े होकर आराम से शूट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं बता देता हूँ ट्रेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको। देखिए जो ट्रेन है ना वो पूरे 10 घंटे 50 मिनट में मुझे पहुँचाएगी उज्जैन। रात भर का सफ़र है, आराम से सोते हुए जाऊंगा। और इस बार तो मतलब ये सीन हुआ है कि महाकाल की कृपा रही है, मेरी जो ट्रेन है ना वो भी लास्ट मतलब 2 घंटे पे ही बुक हुई है, उससे पहले तो वेटिंग में ही जा रही थी, RAC भी नहीं थी, तो मैं तो उम्मीद ही छोड़ती थी कि इस बार मेरा ट्रिप बनेगा भी नहीं बनेगा, पर देखिए महाकाल की कृपा हमारी। तो इस बार हम जा रहे हैं उज्जैन, पूरे 21 स्टेशन होने वाले हैं एक्सेप्ट नई दिल्ली का मिला के ये वाली ट्रेन में। और जो प्राइस है वो नीचे आ रहा होगा, सीट में आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, 3rd AC होने वाली है मेरी टिकट। चलिए आइए अभी थोड़ी देर वेट करते हैं या फिर चलेंगे अंदर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और ट्रेन हमारी रेडी है सामने, अंदर चलते हैं कैबिन में। B2 पर है कैबिन जो है मेरा, अंदर चलते हैं कैबिन के और सीट नंबर दिखाता हूँ, 22 है। तो चलिए आइए और सफ़र करते हैं उज्जैन का। ये देखिए जो 3rd AC होता है ना उसमें 3 तरह की बेंच होती है, एक तो होती है सबसे नीचे वाली, एक होती है बीच में, और एक होती है सबसे ऊपर, और जो मेरी है ना सबसे ऊपर वाली है 22 नंबर। अगर आप सुविधाओं की बात करो सबको अपना पर्सनल स्विच बोर्ड मिल जाएगा फ़ोन चार्ज करने के लिए, और एक मिरर भी मिल जाएगा, और हर किसी के बर्थ के पास ना सेम ऐसी लिफाफा रखा होगा जिसमें 2 चद्दर दी है, 1 पिल्लो मिला है मुझे और 1 कंबल मिला है, तो देख लीजिए।
चलिए दोस्तों दिल्ली को करते हैं बाय बाय। ये देखो समय हो रहा है कुछ 21:50, 7 मिनट लेट है हमारी ट्रेन। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आराम से ऊपर वाले अपनी बर्थ में बैठा हूँ, 22 सीट पर, आराम से चद्दर वद्दर बिछा लिए जो मैंने आपको दिखाया था तकिया। ये देखिए ऐसे सामने होती है एक और बर्थ, एक इसके नीचे होती है और एक बिल्कुल नीचे होती है। तो मज़े आ रहे हैं इंडियन रेलवे में। तो अब आराम से गाने सुनता हूँ, कुछ कॉन्टेंट देखता हूँ और सोता हूँ, फिर सुबह बात करेंगे हम लोग। चलिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो MP में आपका स्वागत है। अभी पर हम उज्जैन नहीं आए हैं, जो ये ट्रेन है लेट है। ये बताऊंगा मैं आपको उज्जैन वाले जंक्शन पे पहुंच के कितनी देर लेट है ट्रेन। अभी हैं हम नागंदा जंक्शन पर और MP तो हम आ ही चुके हैं फिलहाल। तो जो सफ़र है काफ़ी बढ़िया जा रहा है, स्मूथ सफ़र था, सोते हुए गया था मैं तो। ये देखो मैं ये रहा, यहाँ पर ट्रेन कुल 30 मिनट रुकती है, आधे घंटे। जब मैं पिछली बार आया था जब भी रुकती ट्रेन यहाँ पे, उसका रीज़न ये है यहाँ पे ना इंजन चेंज होता है। अब यह ट्रेन इधर की साइड जा रही थी ना, अब ट्रेन इधर की साइड जाएगी, ये रीज़न होता है। तो बस वेट किया जा रहा है, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, फिर उसके बाद उज्जैन जंक्शन पे पहुँच के आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूँगा। बोलिए जय महाकाल। सुहाना सफ़र हो रहा था, साथ में अननोन लोग बैठे हुए थे जिनसे बात करने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अननोन लोगों से बात करने में। और अगर आप विंडो के बाहर देखोगे तो इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा आपको। और जो हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो चल रही है 96 किलोमीटर पर आवर, और जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 112 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इंजॉय किए जा रहे हैं और मज़े लिए जा रहे हैं। अब मैं उज्जैन जंक्शन पहुँच चुका हूँ और लाइन में लगा हूँ बाहर उतरने के लिए। देखिए ट्राई करना, अगर आप सीनियर सिटीज़न के साथ आ रहे हैं तो आप लाइन में पहले ही लग जाना या पहले ही आगे लग जाना। उसका रीज़न ये है, इस स्टेशन पे ट्रेन बस खाली 5 मिनट रुकती है, उसके बाद चल पड़ती है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उतरने के लिए। तो जी दोस्तों आपका स्वागत है उज्जैन में, और ये रही हमारी इंटरसिटी इंदौर की। आइए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बताइए, ये एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जो कि कल 3 घंटे पहले भी मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी वेटिंग में जा रही थी टिकट, पर देखिए आज मैं उज्जैन में हूँ, ये होती है महाकाल की कृपा। तो जो मेरी ट्रेन है ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट थी, अब बज रहे हैं पूरे 10, और 8 बजे यहाँ पे पहुँचाना था ट्रेन को मुझे। और अभी का जो प्लान है ना, प्लान थोड़ा चेंज कर लिया मैंने, पहले थोड़ा बाहर चलते हैं होटल रूम लेते हैं, पहले मेरा कुछ और प्लान था पर अब इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि अब मैं हो चुका हूँ लेट यहाँ पे। तो चलिए आइए पहले बाहर चलते हैं। यहाँ से ट्रेन का एक्सपीरियंस सही रहा, साफ़ सुथरी थी, हाइजीन थी, ट्रेन सही था। और जो ट्रेन है अगर आपको करनी है बुक तो इसका जो नंबर है 124-26 है, ठीक है, जो ट्रेन नंबर है, और ट्रेन का नाम है इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो चलिए आइए बाहर चलते हैं यहाँ से उज्जैन जंक्शन। मैं आ चुका हूँ उज्जैन जंक्शन से बाहर रेलवे स्टेशन से। ऑटो इसलिए ले रहा क्योंकि 900 मीटर पे ही दिखा रहा है वॉकिंग डिस्टेंस पे, होटल्स काफ़ी सारे। मैंने कोई भी प्री बुक होटल नहीं किया, अगर कोई भी जानता है, जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मैं प्री बुक नहीं करता होटल। उसका रीज़न ये है कि प्री बुक कर लो ना, नेट पे कुछ होता है और जब सामने देखो तो वो कुछ और होता है। तो इसलिए आओ देखते हैं और थोड़ी देखी करते हैं होटल के बारे में, और सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। तो चलिए आइए चलते हैं, यहाँ पे कोई सूरज नगर है, वहाँ पे काफ़ी सारे लाइन वाइज होटल्स हैं, मतलब होटल्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। देखो ये सारे होटल्स ही हैं यहाँ पे, तो आपकी मर्ज़ी, आपको टेम्पल के पास लेना है या टेम्पल से दूर लेना है। तो मैं आपको अभी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और जी रेलवे स्टेशन से कुछ 500 किलोमीटर दूर आकर रेखी की जा रही है होटल्स की गली में, चल रहा हूँ उज्जैन की और देख रहा हूँ होटल कोई ढंग का सा मिलता है मुझे। और ये सामने क्या दिख रहा है मुझे, काफ़ी सारे फूल रखे हुए हैं, मुझे लग रहा है फूलों की मंडी, आओ दिखाता हूँ मैं आपको। ये उज्जैन मंडी है, तो दोस्तों काफ़ी सारे होटलों की रेकी करने के बाद मुझे एक होटल समझ में आया जिसका नाम है होटल महालोक पैलेस। इनके ओनर से आपकी बात कराया था जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, सब कुछ बताएंगे ये, मुझे काफ़ी सही बंदे लगे। चलिए आइए बात करते हैं और सारी चीज़ें समझ जाओगे आप, क्या है होटल से रिलेटेड, रूम से रिलेटेड और सारी सर्विस और लोकेशन। चलिए आइए। ओके आइए दोस्तों, आपके ओनर से बात कराता हूँ। हेलो सर, नमस्कार सर,
आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण प्रजापति है, उज्जैन होटल महालोक पैलेस। ओके जी, सबसे पहले ना आप मुझे बताइए आपके होटल की लोकेशन क्या है, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज ना दोस्तों मुझे वही लगी थी लोकेशन इस होटल की, इसकी वजह से मैं यहाँ रुक रहा हूँ। हमारी होटल महालोक पैलेस महाकाल कॉरिडोर नीलकंठ द्वार के अपोजिट साइड पे 3 मिनट की रियल वॉकिंग डिस्टेंस है महाकाल कॉरिडोर से, तो वहीं से आगे भारत माता से एंट्री गेट है। बेसिकली रेलवे स्टेशन से 5 मिनट दूर और जो टेम्पल है मेन टेम्पल महाकाल टेम्पल है वहाँ से खाली 3 मिनट दूर है ये होटल, जिसके वजह सबसे बेस्ट लगा मुझे होटल। ओके, एक चीज मैं पूछ रही हूँ मतलब थोड़ी अजीब सी है, ये आपका चेक इन और चेकआउट इतना अजीब सा टाइम क्यों है? क्योंकि उज्जैन में क्या होता है मोस्टली ट्रेन सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग आती है, 4 बजे से ट्रेन आने चालू होती है, 10 बजे तक मोस्ट ट्रेनें आ जाती है। अच्छा। तो सभी को चेकिंग 8 बजे 8:30 बजे चेकिंग चाहिए रहता है, और प्रायोरिटी ये रहती है, और सभी ट्रेनों का टाइम जाने का शाम को टाइम रहता है, तो इसलिए हमने जिनका जल्दी चेकिंग रहता है 4 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग वगैरह, तो 2 वेटिंग रूम अवेलेबल कर रखे हैं, वो उनको हम उसका कोई कास्ट नहीं लगता है, वो सुबह उनको इजीली वेटिंग रूम क्योंकि मेरे भी 3 दिन हुए फैमिली में क्या होता है अगर लेट ट्रेन तो सुबह जल्दी चेकआउट करके वेटिंग रूम ले सकते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, उसमें वॉशरूम अटैच है, 2 वेटिंग रूम है 2 बेडरूम है दोनों, तो दोनों में वॉशरूम अटैच है। ठीक है। अच्छा अभी होटल के प्राइसेस तो मैं बता दूंगा, और इस बार वाला सीन नहीं होगा जैसे कि वहाँ पे था ना ऊपर नीचे मत कर देना, बगल से लोग आ रहे तो हमारे रिव्यूज पड़ेगा होटल मॉल ऑफ पैलेस, आप गूगल पे सर्च करोगे हमारे पुराने कस्टमर के फीडबैक रिव्यूज पढ़ोगे तो आपको टोटली लगेगा कि होटल एक लीगल है और जेन्युइन होटल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके होटल की वेबसाइट डाल दूंगा, वहां से भी जाकर आप इजीली बुक कर सकते हैं। आइए अब ना थोड़ा चलते चलते बात करते हैं, और ना रूम भी दिखाया था आपने, आपको रूम भी अपना भी दिखा दूंगा, और जो है ना जो बड़ा वाला इनका रूम है वो भी दिखा दे। चलिए आइए, चलिए अब हम पहले ऊपर चल रहे हैं, अपना रूम दिखा दूंगा, पहले आपको बड़ा रूम दिखाया था। और सबसे मेन चीज़ ये पेड प्रमोशन नहीं है, आप सोचो कि इनके होटल को चढ़ाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, मुझे जेनुअली ये होटल अच्छा लगा क्योंकि यहाँ की ना लोकेशन बहुत अच्छी है। सर आप अपना नाम बताइए, बार बार पीछे आ रहे हैं आप। माधव प्रजापति। और आप उज्जैन में कब से हैं? होटल ही मेरा है। अरे हम इन्हें ऑनर कर रहे हैं, मेरा भतीजा आएगा। अच्छा, इसने होटल बना के मेरे सुप्रत कर रखी है। ओके। आप चला होगा। अच्छा अच्छा, चलिए आइए अंदर चलते हैं और रूम देखते हैं। ये 3 बेडरूम है फॉर 3 पर्सन के लिए। अच्छा, तो काफी बड़ा है रूम तो। इसमें अटैच लेट बाथ है, एसी वगैरह सब कंप्लीट है, एंड्रॉइड टीवी है, वाईफाई है। हाँ। इलेक्ट्रिक केटल हम प्रोवाइड करते हैं, टॉवेल शॉप। ठीक है, और यहाँ पे काफी बड़ा है, ये सोफा भी है, आराम से बैठ सकते हो अगर आप थक रहे हो। बढ़िया है। अच्छा, आपका वाईफाई वगैरह सारी सुविधाएं है ना? कंप्लीट है सर। और गर्म पानी वगैरह सब मिल जाता है ना? वगैरह सब कंप्लीट है। कुछ रूम में गीजर लगे हैं और कुछ रूम में सोलर हीटर वाटर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना मैं जब अपने रूम में भी था तो मैंने ये चीज देखी थी, ये आपका रेस्टोरेंट भी है क्या अपना? हमारा रेस्टोरेंट नहीं है, पर मेनू रेस्टोरेंट से टाई अप है, आप किसी भी चीज को ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, रूम में मेनू कार्ड अवेलेबल रहेगा, 30 मिनट रखते हैं आपको ऑर्डर कम्प्लीट होने में। ठीक है, और मैं एक और चीज बताता हूँ अंदर का सीक्रेट। देखिए अगर आप ना जो मतलब और आपकी कहाँ कहाँ पर है जहाँ आप शो करते हो वेबसाइट्स? booking.com, Agoda। हाँ। और हमारा खुद का बुकिंग इंजिन है, आप गूगल पे सर्च करो तो हमारा बुकिंग। अगर आप ये Agoda और बुकिंग पे जाओगे ना वहाँ पे ना उन लोगों को कुछ कमीशन होता है, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं इतनी सारी जगह घूमता रहता हूँ, तो ना मैं इनकी वेबसाइट डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर वहां से आके बुक करोगे या डायरेक्ट इनको कॉल करोगे आप, मैं नंबर भी डाल दूंगा इनका, तो आपको अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए इस रूम का क्या प्राइस होगा? ये 1800 पर डे कॉस्ट पर रहेगा, एसी रूम है ये। और अगर नॉन एसी होता है क्या कुछ? नॉन एसी में हम नेगोशिएट भी कर लेते हैं, 200 रुपीज लेस हो जाते हैं नॉन एसी के। अच्छा, और जो 2 बेडरूम है जो मेरा वाला है वो 1500 पर डे कॉस्ट पर रहेगा। ओके, और नॉन एसी हो? नॉन एसी 1300 पर डे कॉस्ट पर रहेगा, वो रूम दिखा देते हैं। प्राइस तो काफी सही है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ वो रूम। दोस्तों जो मैंने अभी आपको दिखाया वो 3 बेडरूम था, अब ये वाला है 4 बेडरूम। चलिए आइए अंदर चलते हैं, इसमें पूरा टीम भी रुकवा सकते हो। तो जी बताइए यहाँ की चीजें। ये 4 बेडरूम है, 2 डबल बेड है इसमें। ओके, ये 4 पर्सन के लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मेट्रेस वगैरह भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, अगर 5 पर्सन है तो उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एसी तो अवेलेबल है अभी? एसी अवेलेबल है। ठीक है, एंड्रॉइड टीवी है, वाईफाई। और प्राइस क्या है इसका? ये 2000 पर डे कॉस्ट पर रहेगा एसी। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये 3 बेड वाले से इसका फायदा नहीं है, 2000 रुपए एक्स्ट्रा देके ये मिल रहे हैं? ये भी ले सकते हैं, पर्सन ज्यादा, अगर 5% भी तो एक्स्ट्रा मैट्रेस हम दे देते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो बेडरूम वो टॉयलेट बाथरूम एक ही रहते हैं कैसे रहते हैं? अच्छा, इसका लेट बाथ ही रहा। ओके ठीक है, काफी डिसेंट है, बड़ा है काफी, गीजर वगैरह सब कुछ है, कंप्लीट एग्जॉस्ट भी कंप्लीट है, बढ़िया है। अच्छा एक बार बताइए इससे भी बड़ा कोई रूम होता है या मतलब ये यही है? 12 पर्सन के लिए उसमें 6 डबल बेड लगे हुए हैं। 6 डबल बेड और उसमें 2 लेट बाथ अटैच है। तो वो कितने का होगा?
वो 3500 का रहेगा एसी में, नॉन एसी 3000। अच्छा, और सारी सुविधाएं मिलेगी उसमें भी, और ऐसी साफ सुथरा है वो भी? डेली क्लीनिंग होती है, हमारा टॉयलेट वॉश वगैरह रूम डेली क्लीनिंग होते हैं, मतलब क्लीननेस का हमारे यहाँ, और हाइजेनिक रूम है हम वगैरह का, मतलब जो होता है जो रूटीन सर्विस होती है हाइजेनिक रूम के लिए वो सारी फॉलो करते हैं। और ये देखिए, ये मैं पता है वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ना जिससे आपको एक तो जानकारी मिल जाए, नहीं तो पता है हालत जैसे बुरी चल रही है इस होटल की, यहाँ पे ये अभी इन्होंने साफ किया है, चेक इन चेक आउट मतलब फुल रहता है यहाँ के होटल से। अभी इन्होंने मुझे अपनी डायरी दिखाई थी, ऐसी फ्रेंकली थोड़ा फ्रेंकली हो गए थे, तो इन्होंने बोला देखिए सर मेरी डायरी देखिए फुल है ये, मतलब ये अभी चढ़ने वाला है बस ये रूम, और इसलिए वो टीम वाला रूम नहीं दिखा पाएंगे, बट मतलब अगर आपको बुक करना है तो एक महीने पहले तो मिल जाएगा ना इसीलिए 15 दिन पहले या 8 दिन पहले हमें बुक कर लीजिए। और अगर मतलब जैसे कि 2 दिन पहले का अगर बन रहा है तो रिक्वेस्ट भी हो जाता है क्या? वो अवेलेबिलिटी पे रहेगा तो हम तुरंत दे देंगे आपको। अच्छा जी, और हम एक चीज और बताता हूँ, हाँ। हमारे यहाँ जो भी बुकिंग लेते हैं उसमें मिनिमम 500 रुपीज ही आपसे हमारे होटल QR कोड पे जेन्युइन करते हैं, उसके बाद हम कंफर्मेशन लेटर देते हैं। जय श्री महाकाल, ये सब महाकाल की कृपा, और महाकाल बाबा ने ये होटल ओपन करी है यात्रियों के लिए, हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी यात्री रहती है, हमने व्यापार और व्यवहार में सबसे पहले व्यवहार को रखा गया, कस्टमर प्रायोरिटी हमारे फर्स्टली, हम कस्टमर प्रायोरिटी देते हैं, उनके चेक इन टाइम को सूटेबल बनाते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को सभी को हम ध्यान से फॉलो, मतलब उनको ध्यान से सुनकर उनको सॉल्व आउट करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को। तो बोलिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो जी दोस्तों, मैं अब आपको अपना होटल का रूम दिखा देता हूँ, जो मुझे काफ़ी सही लगा इतनी सारी रेकी करने के बाद। ये कुछ हमारा रूम है, देखिए यहाँ पे मिरर भी दिया हुआ है, और काफ़ी लार्ज वॉशरूम है, सही है, यहाँ भी मिरर हो गया, एसी भी है क्योंकि MP में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इधर की साइड से देखते हैं, चलो व्यू भी है कुछ, अभी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ वाले होटल की क्या बेस्ट चीज़ें हैं। तो जी दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूँ, मुझे बताना कैसे लग रहे हैं आउटफिट, फ्रेश हो गया हूँ, अब हम चलेंगे महाकाल टेम्पल। उससे पहले मैं कुछ अपनी टिप्पणी देता हूँ होटल को लेके। देखिए, ओनर का मैंने वीडियो इसलिए बना लिया था, एक तो फर्स्ट चीज़ मुझे ओनर यहाँ पे मिल गए थे, तो मैंने सोचा अगर कोई भी ओनर जो होता है ना वो अपनी चीज़ अपने हिसाब से बताए तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है, अगर मैं आपको बताता तो मैं इतना डिटेलिंग में आपको नहीं बता पाता। पर अब मैं पर्सनल बताता हूँ कि मुझे इस होटल की क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। पहली चीज़, यहाँ के होटल के लोग काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं, रिसेप्शनिस्ट हो या ओनर हो, हर कोई मुझे स्वीट लगा, जबकि पहले स्टार्टिंग में उनको नहीं पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो मैंने बाद में बताया था, मैंने बुक कर लिया था यहाँ पे रूम। सेकेंड चीज़, देखिए बहुत लोग ना लोग मुझे कहेंगे कि 800-1000 में भी आपको रूम मिल जाएंगे उज्जैन में, कमेंट बॉक्स में भी जानते हो कहने वाले लोग, पर रीज़न ये है वो जो होटल है मैं रेकी करते हुए आ रहा था, देखिए सबसे मेन प्रॉब्लम होती है अनहाइजीनिक, सबसे मतलब गंदे हो रहे हैं होटल के रूम्स वो। दूसरी चीज़, ट्रस्ट मी, सर्विस भी बेकार ही होती, उसका रीज़न ये, मैं इतनी ज़्यादा जगहों पे घूमता रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जो 500 से लेके 800 के बीच में जितने भी होटल्स होते हैं, ठीक है। डोमेट्री मुझे लेना नहीं था क्योंकि उसमें फिर जो वॉशरूम होता है वो शेयरिंग वाला होता है, तो इसलिए फिर मुझे ये सबसे बढ़िया डील लगी। और इस डील पे जो सोने पे चांदी लगी वो ये था कि जो यहाँ से है, जो कि मैं ढूंढ रहा था इस बार, रेलवे स्टेशन पास हो, जो कि 3 मिनट दूर होगा, 3-4 मिनट दूर है यहाँ से रेलवे स्टेशन, और 2 मिनट दूर है बस कॉरिडोर जो है महाकाल टेम्पल का, तो मज़ा आ गया। अब हम चलते हैं महाकाल जी के दर्शन करने, फ्रेश हो चुका हूँ मैं, मुझे बताना मेरे आउटफिट कैसे लग रहे हैं, बोलिए जय महाकाल। तो देखिए, वहाँ पे मैंने अपना होटल छोड़ दिया पीछे की साइड, अब मैं जा रहा हूँ प्रोटोकॉल काउंटर। आप पूछोगे प्रोटोकॉल काउंटर क्यों जा रहा हूँ, 2 बजे ना फिर से खुलता है प्रोटोकॉल काउंटर, तो एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर VIP टिकट मिल जाती है तो बढ़िया है, नहीं तो फ्री दर्शन करेंगे। चलिए आइए, सब कुछ बता दूंगा जल अभिषेक। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे महाकाल टेम्पल, अभी अंदर चलते हैं, पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं होती, बट मुझे परमिशन मिल गई है अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की, तो अंदर चलते हैं, आपको अच्छी तरह सब कुछ दिखाऊंगा, खुद को नहीं लूंगा इस बार, खाली टेम्पल को और महाकाल को लूंगा। ये मैंने सर पे तिलक लगवा लिया महाकाल का, चंदन का तिलक जो होता है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और सर पे ठंडक हो रही है, मज़ा आ रहा है। दिन में ऑलरेडी मैंने पहले भी शूट किया हुआ है कॉरिडोर, रात को अलग ही व्यू है कॉरिडोर का, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, इतना लाइट इतना कुछ है, मतलब मज़ा आ रहा है देखने में।